Hello friends, morphology of flowering plants के वीडियो पार्ट वन में मैंने आपको रूट का स्ट्रक्चर और उसका मॉडिफिकेशन बता दिया है। अब वीडियो पार्ट टू में हम आगे देखने वाले हैं स्टेम और लीव्स वगैरह, ठीक है। तो ये है स्टेम। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है कि स्टेम क्या है। स्टेम जनरली जो ग्राउंड से ऊपर का पार्ट होता है प्लांट में, जनरली मैंने कहा, हमेशा नहीं, जनरली जो इस ग्राउंड के ऊपर का पार्ट है वो स्टेम होता है। कुछ प्लांट्स में अंडरग्राउंड पार्ट भी स्टेम का होता है, जैसे बल्ब है, राइजोम है ना, कॉर्म है, ये सब अंडरग्राउंड स्टेम है। लेकिन ज़्यादातर तो ये ग्राउंड के ऊपर रहता है, एरियल पार्ट होता है। स्टेम क्या चीज़ है? तो स्टेम पार्ट का वो पार्ट है जिसमें लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब लगे होते हैं, उसे हम स्टेम कहते हैं। स्टेम जो है शूट सिस्टम है एक प्रकार से, और ये एम्ब्रियो के प्लूमुल से बनता है। मैंने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में रेडिकल और प्लूमुल के बारे में आपको बताया है कि जो एम्ब्रियो होता है सीड के अंदर, उसमें एक पार्ट होता है प्लूमुल, एक पार्ट होता है रेडिकल। तो जो रेडिकल था उससे बन रहा था रूट, जिसको हम टैप रूट कह रहे थे, और जो प्लूमुल था उससे बनता है शूट या स्टेम, ठीक है, जिसे शूट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब जो स्टेम है, शूट सिस्टम, उसको सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि न केवल उसमें स्टेम है बल्कि उसके ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब उसमें लगे होते हैं, ठीक है। और स्टेम एक्चुअली दो पॉइंट्स के बने होते हैं, दो पार्ट्स के बने होते हैं, एक होते हैं नोड्स और दूसरे होते हैं इंटर नोड्स। तो नोड वो पार्ट है जहाँ से लीव्स निकलते हैं, है ना, जहाँ से लीव निकले होते हैं उन्हें हम नोड्स कहते हैं, और दो नोड के बीच का जो पार्ट है इसे हम इंटर नोड कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है नोड और इंटर नोड, जो स्टेम का एक्सक्लूसिव फीचर है, ये आपको रूट में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये मेन डिफरेंस है जो रूट और स्टेम में पाया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए लिखा है, द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न आर कॉल्ड नोड्स, व्हाइल इंटर नोड्स आर द पोर्शंस बिटवीन टू नोड्स, ठीक है। तो जहाँ से लीव्स निकलते हैं वो नोड्स हैं, और जो दो नोड के बीच का डिस्टेंस है वो इंटर नोड है। द स्टेम बियर्स बर्ड्स व्हिच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी। तो जैसे कि ये स्टेम है, इसके टिप में अगर कोई बड है तो वो टर्मिनल बड है, और ऐसे अगर अंदर साइड में कोई बड है तो वो एक्सिलरी बड है साइड में, ठीक है। और यहीं से कोई फ्लावर बन सकता है, या यहाँ से भी कोई फ्लावर बन सकता है, ठीक है। तो टर्मिनल या एक्सिलरी दो प्रकार का बड होता है। स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर ऑफन बिकम्स वुडी एंड डार्क ब्राउन। तो स्टेम शुरू में हर्बेसियस प्लांट में ग्रीन कलर का दिखता है, क्यों? क्योंकि उसमें एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, हाइपोडर्मिस है, इनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इसके कारण से यंग स्टेम, हर्बेसियस प्लांट के स्टेम्स, ये हरे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा गुलाब का पौधा, रोज़ है, उसके जो स्टेम है वो हरे होते हैं, है ना, क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है एपिडर्मिस में और कॉर्टेक्स में। स्टेम का मेन फंक्शन क्या है? देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बेयरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो ऐसे ब्रांचेस बनाना जिसमें सारी चीज़ें लगे होते हैं, आपने देखे होंगे लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स, ये लगे होते हैं, ऐसे ब्रांचेस जो मेन स्टेम में बनते हैं, ये मेन स्टेम का मेन काम है। और क्या काम है? इट कंडक्ट्स वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेट्स। अब इनको थोड़ा समझते हैं फिर से एक बार। चूँकि जाइलम और फ्लोएम रूट से लेकर लीफ तक पूरे फैले होते हैं, है ना, तो बीच में स्टेम है, तो ये जो जाइलम है चूँकि स्टेम से गुजर रहा है, तो रूट से लेकर लीफ तक पानी पहुँचाना, वाटर पहुँचाना, ये भी स्टेम का काम है आप कह सकते हैं। और चूँकि फ्लोएम भी उसका पार्ट है, तो लीव से लेकर रूट तक फूड पहुँचाना, फूड कंडक्ट करना, ये भी स्टेम का काम है, क्योंकि स्टेम के अंदर ही जाइलम फ्लोएम गुजरे हुए हैं। तो जो फोटोसिंथेट्स लिखा है, इसका मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड मटेरियल बने हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट जो बने हैं, बनता ग्लूकोस है, लेकिन ट्रांसपोर्ट होता है वो सुक्रोज के फॉर्म में, है ना।
तो ट्रांसपोर्ट करता है फोटोसिंथेट्स को, यानी कि ग्लूकोज को, इसको शुगर को ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम, और वो भी स्टेम का पार्ट होता है। सम स्टेम परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो देखिए, स्टोरेज ऑफ फूड कहाँ पर है, तो आप ये जो अंडरग्राउंड स्टेम देखते हैं जिसमें ट्यूबर आता है, जैसे आलू है ना, कॉर्म आता है जैसे कोलोकेशिया है, अरबी जिसको बोलते हैं अरबी है ना, और राइजोम है जैसे अदरक है, हल्दी है ना, बल्ब है जैसे कि आपका प्याज है, लहसुन है, ओनियन, गार्लिक है ना, तो ये अंडरग्राउंड स्टेम है। तो अंडरग्राउंड स्टेम जो होते हैं उनका मेन फंक्शन होता है फूड स्टोर करना, ठीक है। सपोर्ट किसको प्रोवाइड कर रहा है, तो जो चीज़ें उनमें लगे हुए हैं, आपके लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको सपोर्ट भी देता है और उनको प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। मतलब नीचे वो एकदम नहीं रहता, थोड़ा ऊपर रहता है तो प्रोटेक्ट हो जाता है वो। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये जितने भी अभी आपने फॉर्म्स पढ़े हैं, ट्यूबर, बल्ब, राइजोम, कॉर्म, ये सभी जो हैं, और साथ में स्टेम कटिंग्स, इनके द्वारा भी हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हैं। क्योंकि हम देखें कि आलू जो होता है, जो अंडरग्राउंड ट्यूबर है, एक प्रकार का स्टेम है, उसको अगर आप लगा देते हैं तो उसमें जो बर्ड्स दिखते हैं आपको आईज, उनमें से नए प्लांट बन जाते हैं। तो इस तरह से ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब मैंने पहले भी बताया है कि ये एक प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें गैमिट्स का फॉर्मेशन, फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, मियोसिस, ये सब चीज़ें नहीं होता है ना, उसे हम वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं। अब है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक है। तो क्या क्या फंक्शन है, देखिए मॉडिफिकेशन करने का क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण है वो है फूड स्टोरेज। तो ज़्यादातर मॉडिफिकेशन चाहे रूट का है या स्टेम का है, वो फूड स्टोर करने के लिए मॉडिफाइड हो जाता है। तो अभी जितने भी नाम मैंने लिए थे, ट्यूबर है जैसे आलू है ना, राइजोम जैसे अदरक है और हल्दी है ना, बल्ब है जैसे लहसुन प्याज है ना, तो ये चीज़ें अंडरग्राउंड जो स्टेम के फॉर्म में होते हैं, जनरली वो लोग फूड स्टोर करने के लिए होते हैं, है ना। द स्टेम में नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी। तो स्टेम हमेशा वही नहीं हो सकता जैसा हम सोचते हैं, हम अनुमान करते हैं कि स्टेम ऐसा होता है कि एक बड़ा सा लकड़ी का एक खंभा जैसा पार्ट होता है, उसे स्टेम कहते हैं, ऐसा जो हम इमेजिन करते हैं, हमेशा वैसा नहीं होता है, ठीक है। दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ये अलग अलग काम करने के लिए मॉडिफाइड हो जाते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ पोटेटो, जिंजर, टर्मरिक, जिमिकंद, कोलोकेशिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम, है ना। ये आपका ट्यूबर है ना, ये आपका राइजोम है, ये भी राइजोम है ना, ये जो है कॉर्म है, तो ये मॉडिफाइड होकर के फूड स्टोर करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी इनकी विशेषता होती है कि ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, इनसे जो है नए प्लांट हम बना सकते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। दे आल्सो एक्ट इज ऑर्गेन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। देखिए, चूंकि ये अंडरग्राउंड पार्ट है तो ऊपर का प्लांट मर जाता है, अनफेवरेबल कंडीशन आता है जब पानी कम हो जाता है, सूख जाता है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है, इस टाइप के कंडीशन में प्लांट तो मर जाता है, लेकिन ये जो अंडरग्राउंड पार्ट हैं, कॉर्म, राइजोम, ये सब, ये जिंदा रहते हैं, और जब नया सीजन आता है, फेवरेबल सीजन आता है, तो ये फिर से ग्रो करके नया प्लांट बनाते हैं, उसी को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने कहा था अभी। तो ये एक प्रकार से पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर है। पेरिनेशन का मतलब क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन को बर्दाश्त करने के लिए आराम से इनएक्टिव कंडीशन में चले जाना, वो पेरिनेशन कहलाता है ना। तो ये पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर है जो अनफेवरेबल कंडीशन में जिंदा रहने के लिए बचे रहते हैं। स्टेम टेंड्रिल्स विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स आर स्लेंडर एंड स्पायरली क्वाइल्ड एंड हेल्प प्लांट्स टू क्लाइंब सच एज इन गॉर्ड्स, कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन्स। देखिए, टेंड्रिल क्या चीज होता है। टेंड्रिल जो है स्टेम से या लीफ से निकला हुआ ऐसा स्प्रिंग जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम टेंड्रिल कहते हैं। हालांकि टेंड्रिल कई चीज़ों से बन सकते हैं, स्टेम से बन सकता है ब्रांच की जगह में, या लीफ से बन सकता है, कुछ में फ्लावर से बन जाता है, कुछ में इन्फ्लोरेसेंस से बन जाता है, कुछ में लीफलेट से बन जाता है।
कुछ में ब्रेक्ट बन जाता है, कुछ में स्टिप्यूल बन जाता है टेंड्रिल। टेंड्रिल जो है किसी भी प्लांट ऑर्गेन से बन सकता है एक्सेप्ट रूट, है ना। एरियल पार्ट जितने भी हैं उनमें से अलग अलग प्रकार के प्लांट्स में अलग अलग पार्ट्स में से टेंड्रिल बनते हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ पर हम अभी स्टेम पढ़ रहे हैं, तो स्टेम में टेंड्रिल कैसे बनते, मतलब किस में बनता है ना, किस किस प्लांट में स्टेम से बनता है। तो देखिए, ये जो कुकुरबिट्स हैं जितने भी, फैमिली कुकुरबिटेसी एक नाम है ना, उसमें जितने भी हैं वो गॉड्स कहलाते हैं। जैसे कुकुम्बर है, खीरा, पम्पकिन यानी कद्दू, वाटरमेलन है ना यानी कि तरबूज, है ना, ये सब चीज़ें हैं। साथ में ग्रेप वाइन है, मतलब अंगूर, है ना। तो इनमें जो है टेंड्रिल जो बनता है स्प्रिंग जैसा, वो स्टेम से मॉडिफाई हो जाता है। स्टेम का जो टिप पार्ट है वो टेंड्रिल जैसा बन जाता है, और ये किसी सरफेस से लिपट करके इसके प्लांट को चढ़ाने में मदद करते हैं। क्योंकि ये जितने भी नाम आपने पढ़े, ये पतली पतली लताएं हैं, एकदम मतलब छोटे प्लांट्स हैं जो लता के तौर पे होती है, जिसको अपन रनर्स, क्रीपर्स, स्टोलन्स ये सब कहते हैं ना, लताएं पतली पतली, उस टाइप के प्लांट्स हैं। एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम्स मे आल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू उडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स। देखिए, एक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम, स्टेम में जो बीच में बर्ड्स होते हैं, इन बर्ड्स के द्वारा या तो स्टेम बनना चाहिए था ब्रांच, या फिर कोई फ्लावर बनना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये प्लांट्स अनफेवरेबल कंडीशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड आ जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है, तो ये जो बर्ड्स हैं वो स्टेम या फ्लावर नहीं बनते हैं, बल्कि एक कांटे में बदल जाते हैं। कांटे में, मोटा सा कांटा हो जाता है, मजबूत सा, उसे हम थॉर्न कहते हैं, ठीक है। तो एक्सिलरी बर्ड जो है ये मॉडिफाई होके उडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड, देखिए मजबूत रहते हैं, उडी मतलब बहुत मजबूत, सीधा और नुकीला थॉर्न बन जाता है। देखिए, प्लांट में कांटे दो प्रकार के बनते हैं, एक को हम कहते हैं थॉर्न और एक को हम कहते हैं स्पाइन। तो थॉर्न और स्पाइन में अंतर ये है कि थॉर्न जो है काफ़ी मजबूत और थोड़ा बड़ा सा कांटा होता है, और स्पाइन थोड़ा छोटा कांटा होता है और थोड़ा कम मजबूत रहता है ना, उडी नहीं रहता वो, मतलब कांटा तो रहता है लेकिन उडी नहीं रहता, एकदम हार्ड नहीं रहता कि एकदम उसे घुस जाए, घुस जाता है वो भी लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट टाइप का रहता है। तो थॉर्न किस में आपको मिलेगा, तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, थॉर्न्स आर फाउंड इन मैनी प्लांट्स सच एज साइट्रस। देखिए, नींबू के पौधे में, प्लांट में जो कांटे होते हैं, और बॉगनविलिया, अगर ये प्लांट आपने देखा है, ये भी डेकोरेटिव प्लांट के तौर पे हम लोग अपने घरों में लगाते हैं, है ना। तो बॉगनविलिया में भी आपको थॉर्न देखने को मिलेंगे, और नींबू के पौधे में भी थॉर्न मिलेंगे आपको। दे प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, है ना। ब्राउजिंग का मतलब यहाँ पर इंटरनेट चलाना नहीं है, ब्राउजिंग का मतलब है यहाँ पर चरना, है ना, घास फूस को खाना, पौधे के पेड़ पत्तियों को खाना, उसे ब्राउजिंग कहते हैं। तो जिन पौधों में कांटे होते हैं उनमें से ज़्यादातर जानवर जो है पत्तियों को नहीं खा पाते हैं, लेकिन जो बकरी है, गॉट, है ना, वो जो है कैसा भी कांटे वाला प्लांट हो, चाहे वो बेर का प्लांट हो, है ना, जो जो बेर उसमें कितने सारे कांटे होते हैं, उनमें से भी पत्तियाँ खा जाती है वो, है ना। तो आप बकरी से तो नहीं बचा सकते, लेकिन ज्यादातर जानवर जो है इन पौधों से पत्तियों को नहीं खाते हैं। सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन्स मॉडिफाई देयर स्टेम इनटू फ्लैटेंड ओपनशिया और फ्लेसी सिलिंड्रिकल यूफोर्बिया स्ट्रक्चर्स। देखिए, अब इनको थोड़ा समझ लीजिए। सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन, एरिड का मतलब होता है सूखा, है ना, ड्राई यानी ज़ीरोफाइट, मतलब डेजर्ट एरिया। तो डेजर्ट एरिया के प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को झड़ा देते हैं और उसके जगह कांटे बन जाते हैं, पत्तियां जो है मॉडिफाई हो जाती हैं कांटों में, ठीक है, और पूरा जो प्लांट है वो हरा हो जाता है, और उसी में स्टेम में ही फोटोसिंथेसिस चालू हो जाता है, है ना। तो ये अब दो प्रकार के होते हैं, थोड़े से चपटे टाइप के होते हैं, आपने कैक्टस का प्लांट देखा होगा, है ना, ऐसे चौड़े चौड़े ऐसी पत्तियां होती हैं इसकी, ऐसे, और इनमें ऐसे कांटे आपको लगे हुए दिखेंगे, ठीक है, चपटी चपटी पत्तियां होती हैं। तो ये ओपनसिया है, जिसको अपन कैक्टस कहते हैं। कैक्टस हालांकि ऐसे थोड़ा सा राउंड शेप में भी मिलता है, लेकिन चपटे वाले कैक्टस ज़्यादा मिलते हैं। तो ये थोड़े चपटे और कम मांसल होते हैं, लेकिन यूफोर्बिया का जो प्लांट है वो थोड़ा सा गोल टाइप का ऐसा रहता है, उसके अंदर
जो है जेल भरा रहता है, तो उसे फ्लेशी कह देते हैं। तो दो प्रकार के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनको अपन क्लेडोड और फाइलोक्लेड के नाम से जानते हैं। अब ये दो टर्म हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है। देखिए वापस आते हैं, इसमें लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। जब पत्तियाँ कांटों में बदल जाती हैं और प्लांट हरा होकर फोटोसिंथेसिस करने लगता है, तो दो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज़ करते हैं। एक होता है फाइलोक्लेड, है ना, फाइलोक्लेड। इसमें क्या है कि ये पूरा प्लांट है ना, स्टेम है, और इसमें कई नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, ठीक है, तो इसे फाइलोक्लेड कहते हैं। लेकिन ऐसा ही एक होता है, वो होता है क्लेडोड, ठीक है, क्लेडोड। क्लेडोड में क्या होता है कि ये एक ही इंटरनोड का बना हुआ होता है, बस ये अंतर है। अगर कई इंटरनोड का बना होता है मांसल वाला जो प्लांट है, तो वो फाइलोक्लेड कहलाएगा, पूरा प्लांट हरा है और एक ही इंटरनोड का बना हुआ है, तो उसे हम क्लेडोड कहेंगे, और ये एक इंटरनोड का। तो फाइलोक्लेड आपको ये ओपनशिया में देखने को मिलेगा, और ये जो क्लेडोड है ये आपको देखने को मिलता है एस्पेरेगस में, ठीक है, एस्पेरेगस। ये एक सतावर करके एक प्लांट होता है, उसमें आपको क्लेडोड देखने को मिलेगा, जिसमें एक इंटरनोड है और एक से ज़्यादा इंटरनोड वाला फाइलोक्लेड आपको ओपनशिया में देखने को मिलता है। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इनमें फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी है, इनकी पत्तियां तो कांटों में बदल जाते हैं, तो खुद प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करने लगता है। अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी एटसेट्रा स्प्रेड टू न्यू निचेस, एंड व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड। देखिए ये जो है सकर्स कहलाते हैं, ये अंडरग्राउंड फैलते हैं। जैसे कि ये प्लांट है, जैसे देखिए ये मान लो कि सॉइल है, ठीक है, ये प्लांट नीचे में ये रूट्स वगैरह बने हुए हैं, तो इसका जो स्टेम का जो अंडरग्राउंड थोड़ा पार्ट है ये अंदर ही अंदर फैलता है और ऐसे बाहर निकल आएगा। यहाँ पे एक प्लांट, यहाँ पर भी प्लांट ही है ना, फिर अंदर जाएगा, फिर ऐसे प्लांट निकल आएंगे, जगह जगह से निकल आते हैं। ओल्डर प्लांट नष्ट भी हो जाता है, तो यहाँ से नए प्लांट बनते रहते हैं ये, ठीक है। तो ये प्लांट अगर एक जगह लगा देते हो आप, तो पूरे आसपास की जमीन में ये फैल जाता है अंडरग्राउंड ही, ठीक है। ऐसे को अपन सकर्स कहते हैं, जैसे मिंट एक एग्जांपल है इसका, ठीक है। इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जास्मीन, ये देखिए आ गया, ए स्लेंडर लेटरल ब्रांच अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम आर्क डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड। देखिए इनमें जो है, जैसे कि ये ग्राउंड से ऊपर ग्रो किए, तो थोड़ा सा ऐसे नीचे झुक करके यहाँ पर भी, और फिर आगे और ऐसे नए प्लांट बनाते चले जाते हैं ये, ठीक है, इस टाइप का भी होता है, ये स्टोलन्स कहलाते हैं, ठीक है। इसमें एक्चुअली मिंट का एग्जांपल नहीं होना था, मिंट सकर है, ये जो स्टोलन बताया है ना, ये आपका सही ढंग से एग्जाम्पल आप कहेंगे तो धूप ग्रास का है, ठीक है, ये स्टोलन कहलाता है, ठीक है। ए लेटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड्स एंड ईच नोड बियरिंग ए रोसेट ऑफ लीफ एंड ए टफ्ट ऑफ रूट इज फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स लाइक पिस्टिया एंड आइकॉर्निया। देखिए जैसे कि तालाब है, पानी भरा है, उसमें ये प्लांट है, इसके रूट है और ये ऊपर में इसके लीव्स हैं, ठीक है, ये प्लांट तैर रहा है पानी में, ठीक है, ये इसके रूट जो है जमीन में नहीं टच किए हैं, ये पानी में तैरते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, सबमर्ज है लेकिन। तो इनमें क्या होता है कि स्टेम जो है इस तरह से निकल करके एक नया यहाँ पर लीफ और रूट का टफ्ट बनाएगा, और नीचे ये रूट बन गया, ऊपर प्लांट बन गया, है ना, इस टाइप से होता है। तो इस टाइप का जो होता है ये भी सकर ये ऑफसेट कहलाता है, ठीक है, ये इस टाइप से जो बनता है इसे ऑफसेट कहते हैं, ये एक्वेटिक प्लांट में देखने को मिलेगा, ठीक है। बाद में ये यहाँ से ऐसे टूट जाएंगे और अलग हो जाएंगे प्लांट्स, तो ये ऑफसेट है जो पिस्टिया और आइकॉर्निया में, पिस्टिया मतलब जलकुंभी है ना, आइकॉर्निया समुद्र शोक कहते हैं, ये दोनों जो हैं वीट प्लांट हैं और काफ़ी बड़े एरिया को इसकी घेर लेते हैं तालाब वगैरह में, ठीक है। इन बनाना पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथिमम द लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम ग्रो हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल
एंड देन कम आउट ऑब्लिकली अपवर्ड गिविंग राइज टू लीफी शूट्स। तो जो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको शकर के रूप में बताया था मिंट वगैरह में, वैसा ही एक बनाना और क्राइसेंथिमम में भी है। ठीक है, कि ये एक्चुअली बनाना का ये अंडरग्राउंड पार्ट जो है, जो कॉर्म है सॉरी राइजोम है, ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है, बाहर में लीव्स बड़े बड़े निकले हुए हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े लीव्स निकले हुए हैं, इन्हीं लीव्स के जो डंठल है, जो स्टॉक है जिसको पेट्यूल कहते हैं, जुड़ करके स्यूडो स्टेम बनाता है बनाना में। तो अंडरग्राउंड ऐसे आगे बढ़ के ऐसे बाहर निकल आएगा और बाहर फिर से एक प्लांट बना लेगा, है ना। जनरली ऐसा हो सकता है बनाना में, क्राइसेंथिमम में। तो इस तरह से एक नया प्लांट यहाँ पर फिर से डेवलप हो जाएगा। ये कुछ प्लांट्स के पार्ट्स लिखे हुए हैं, देखिए। ये जिंजर आपको दिख रहा है, ये एक प्रकार का राइजोम है, अदरक है, है ना। जिमीकंद, जिसको जिमीकंद कहते हैं, ये है। और पोटेटो, ये ट्यूबर है, ये कॉर्म है एक प्रकार से। ठीक है, और कोलोकेशिया जिसको अरबी कहते हैं, वो कॉर्म है। यहाँ पर नहीं छपा है, कोई बात नहीं है, है ना। और तो पहला इसमें स्टोरेज के लिए है, ये जो तीनों पार्ट दिख रहे हैं आपको, जिंजर, जिमीकंद, पोटेटो, ये स्टोरेज के लिए बनाए गए पार्ट है। ठीक है, और जो बी है वो सपोर्ट के लिए है। देखिए, तो यहाँ पर ये देखिए, ये टेंडल जैसा बन रहा है, देखिए ये स्प्रिंग जैसा, ऐसा करके ऐसा स्प्रिंग जैसा बना हुआ है, तो ये सपोर्ट के लिए बना हुआ है। ठीक है, ये आपका कुकुर बीट प्लांट का है, जो कद्दू खीरा वगैरह होते हैं उसी टाइप का ये प्लांट है एक। ठीक है, सी जो है प्रोटेक्शन के लिए है। देखिए, ये बाउगीन वीलिया है, इसमें आप देख सकते हैं स्टेम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। ये देखिए, यहाँ पर ब्रांच बनना था, तो ब्रांच की जगह ये यहाँ पर एक कांटा में बदल गया है, बाउगीन वीलिया में। ठीक है, और आखिरी में लिखा है डी, स्प्रेड एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है, यहाँ नीचे रूट ऊपर स्टेम, है ना, आगे बढ़ा नीचे रूट ऊपर स्टेम, आगे बढ़ा नीचे रूट ऊपर स्टेम, इस तरह से बनता चला जा रहा है। ये आपको साइनेडोन डैक्टिलॉन यानी दूब ग्रास, इनमें सब में इस टाइप का देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब आ जाता है लीफ। ठीक है, लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है और इनको हम कितने टाइप से बांटते हैं, सब हम अभी इसे पिक्चर वाइज इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा धीरे से इसको समझने की कोशिश करेंगे अपन, लीफ क्या है। ठीक है, तो लीफ जो है स्टेम से लगा रहता है, और स्टेम के उस पार्ट को जहाँ से लीफ निकलते हैं, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, उसे हम नोड कहते हैं, और दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम इंटरनोड कहते हैं। ठीक, अब देखिए कि जहाँ से लीफ निकलता है लगभग वहीं पर फ्लावर और स्टेम भी निकल सकते हैं, एक्सिलरी बड होते हैं वहीं पर। और लीफ के क्या क्या पार्ट हैं अभी हम थोड़ा देखेंगे उसको। ठीक है, द लीफ इज अ लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न आउट ऑन द स्टेम। तो यहाँ पर देखिए लिखा है जनरली फ्लैटेंड, लीफ जो है जनरली ऐसे चपटे स्ट्रक्चर हैं, है ना, ज़्यादातर प्लांट में इस तरह के चपटे स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स में लीफ का शेप बदल जाता है। जैसे आपने प्याज देखा होगा, है ना, कच्चा प्याज लिए होंगे अगर ओनियन, तो आप देखेंगे कि जैसे नीचे ऐसा बल्ब है प्याज का, ठीक है, तो ऊपर ऐसे लीफ निकले होते हैं, कई बार आप देखे होंगे जिसको प्याज भाजी के नाम से अपन खाते हैं। तो ये जो लीफ है ऐसे गोल गोल होते हैं, मतलब ऐसे पाइप जैसे लीफ होते हैं, है ना, ऐसे ऐसे पाइप जैसे ऐसे लीफ होते हैं, गोल पाइप, गोल लीफ। तो ये ट्यूबुलर लीफ कहलाते हैं, वो प्याज में मिलेंगे आपको। और एक पाइनस होता है, जो पाइनस, उसमें निडिल शेप्ड लीव्स होते हैं, निडिल के जैसे, है ना, सुई सुच्चाकार बोलते हैं, सुई के जैसा हो जाते हैं। तो ज़्यादातर प्लांट में लीव्स जो है चपटे होते हैं, लेकिन पाइनस में जैसा आपने कहा ये निडिल शेप है, और प्याज में आपने कहा ट्यूबुलर है, सिलिंड्रिकल है, पाइप जैसे हैं। ठीक है, इट डेवलप्स एट द नोड एंड बियर्स ए बड इन इट्स एक्साइल। ये देखिए, लीफ जहाँ से निकला स्टेम का वो पार्ट नोड है, और यहीं पर बड है, बड, एक्सिलरी बड, ठीक है, जिसको एक्साइल कहते हैं इस पार्ट पे। यहाँ से आप फ्लावर बन सकता है या कोई स्टेम बन सकता है, ब्रांच बन सकता है।
तो लीफ के एक्साइल में, एक्साइल मतलब उसका बेस पार्ट जहां से लीफ निकला है, वहां पर एक बड होता है, उसको एक्सिलरी बड कहते हैं, और ये एक्सिलरी बड बाद में कोई ब्रांच या फ्लावर बना सकता है। आपको बता दें कि फ्लावर भी मॉडिफाइड शूट होता है, ब्रांच का मॉडिफाइड फॉर्म होता है, ठीक है। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपिटल ऑर्डर। देखिए, एक्रोपिटल ऑर्डर का क्या मतलब होता है, दो ऑर्डर होते हैं, एक्रोपिटल और बेसिपिटल। जैसे कि मान लो ये कोई ब्रांच है, ठीक है, तो ओल्डेस्ट जो है सबसे बेस में रहेगा और यंगेस्ट जो है टिप में, यानी कि नए वाले टिप में पैदा होते चले जाएंगे, तो हम इसे कहेंगे एक्रोपिटल सक्सेशन। ये आपके इन्फ्लोरिसेंस में जो फ्लावर लगे होते हैं, इन्फ्लोरिसेंस दो मेन टाइप के हैं, रेसिमोस और साइमोस। इन्फ्लोरिसेंस मतलब फ्लावर का गुच्छा ना, तो इन्फ्लोरिसेंस में फ्लावर या तो साइमोस तरीके से या रेसिमोस तरीके से लगे होते हैं। तो रेसिमोस जो होता है उसमें यही होता है कि जो यंगेस्ट है वो टिप की तरफ बनते चले जाते हैं और ओल्डेस्ट जो है पहले बन चुके हैं पहले से इधर बेस के पार्ट में, इसे एक्रोपिटल कहते हैं। लेकिन साइमोस में जो है, जो बेसिपिटल कहलाता है, उसमें टिप में सबसे पुराना बनेगा, बाद में नए बनेंगे अंदर साइड में, अंदर साइड में नए बनते चले जाते हैं, इसे बेसिपिटल सक्सेशन कहते हैं। वो इन्फ्लोरिसेंस में देखने को मिलेगा, साइमोस में। लेकिन अगर हम लीफ की व्यवस्था देखें तो जैसे स्टेम नया आगे ऊपर बढ़ते चले जाता है, उसमें नए लीव्स पैदा होते चले जाएंगे, यानी कि नीचे में बेस में पुराने लीव्स रहेंगे, टिप में नए लीव्स बनते चले जाएंगे, उसे हम एक्रोपिटल कहते हैं, ठीक है। दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गेन फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि प्लांट जो है अपना फूड फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाता है, तो जो लीफ है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेन है। लीफ के बिना भले ही प्लांट जो है कुछ में मॉडिफाई होके फोटोसिंथेसिस कर लेता है, कुछ में लीफ के रहते भी प्लांट हरा होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, जैसे रोज वगैरह है, लेकिन मेन फोटोसिंथेसिस जैसा कि लीफ कर सकता है वैसा कोई दूसरा ऑर्गन नहीं कर सकता है, ठीक है। ए टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स, लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमिना। अब देखिए क्या है, ये स्टेम है, इसमें ये लीफ लगा हुआ है, ठीक है, ये लीफ लगा हुआ है, ये लीफ के वेन्स हैं, ठीक है, ऐसा। तो अब लीफ के तीन पार्ट है, देखिए, एक ये वाला जो जहां से लीफ लगा हुआ है इसे हम कहते हैं लीफ बेस, ठीक है, और बीच का ये जो डंठल वाला पार्ट है, स्टिक वाला पार्ट है, ये हम कहते हैं इसको पेटियोल, और ऊपर जो ये चौड़ा सा पार्ट है जो लीफ का मेन पार्ट है इसे हम कहते हैं लेमिना, ठीक है। तो लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना, अब इनका एक एक और नाम है। जो लीफ बेस है इसे हम कहते हैं हाइपोपोडियम, ठीक है, लीफ का जो बेस है इसे हम कहते हैं हाइपोपोडियम। जो बीच का पेटियोल है इसे हम कहते हैं मीजोपोडियम, ठीक है, मीजोपोडियम इसे हम कहते हैं। और जो सबसे चौड़ा पार्ट है लैमिना, इसे हम कहते हैं एपीपोडियम, ठीक है, ये एपी है, ध्यान रखेंगे ई है, एपीपोडियम, ठीक है, ऐसा। तो हाइपोपोडियम है लीफ बेस, पेटियोल है मीजोपोडियम और लैमिना है एपीपोडियम। तो तीन पार्ट यहाँ पर लीफ का बना हुआ है, ठीक है। किसी किसी प्लांट में जैसे मिमोसा प्यूडिका, ये टच मी नॉट प्लांट है ना, उसका लीफ बेस यहाँ पर ऐसे फुला हुआ रहता है, उस फुले हुए पार्ट को अपन कहते हैं पल्विनस, ठीक है, उसी में प्रोसेस होता है जिसके कारण से उसकी लीफ जो है ड्रूप डाउन होते, छूने से मुरझा जाते हैं, वो इसी नोड का काम है, इसी पल्विनस का काम है, ठीक है। तो तीन पार्ट है ना, तो लीफ बेस वो पार्ट है जहाँ से लीफ अटैच रहता है, द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस एंड मे बियर टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्टिप्यूल। देखिए, लीफ जहां पर लगा होता है, ये लीफ है ना, तो यहां पर ऐसे दो कांटे जैसे स्ट्रक्चर लगे होते हैं, इसे हम कहते हैं स्टिप्यूल, ठीक है। इन मोनोकॉटिलिडंस द लीफ बेस एक्सपेंड्स इन टू अ शीथ कवरिंग द स्टेम
कॉल्ड स्टेम पार्शली और वुली, ठीक है। तो ऐसा जो है लीफ बेस, ऐसा फैल करके ऐसा स्टेम को थोड़ा सा कवर कर लेता है, ठीक है। इसे ऑक्रिएट कहते हैं, ऑक्रिएट लीफ बेस, ठीक है। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स द लीफ बेस मे बिकम स्वेलन व्हिच इज कॉल्ड पल्विनस। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, तो पेपिलोनेसी मतलब ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, इसी का एक प्लांट मैंने अभी आपको बताया जिसका नाम है मिमोसा प्यूडिका, टच मी नॉट प्लांट। उसका काफ़ी अच्छे से पल्विनस लीफ बेस रहता है, फुला हुआ रहता है। द पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट, द पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट, है ना। इसका मतलब ये है कि जो डंठल है वो पत्ती को इस तरह से थामे रखता है कि उसके ऊपर सनलाइट आराम से पड़ती रहे, है ना। ये काम है आपके पेटियोल का जो लीफ को पकड़े हुए है, है ना। लॉन्ग थीन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन द विंड, देयर बाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस। तो ये जो पेटियोल है, जो डंठल है लीफ का, वो लीफ को ऐसे हवा में हिलाने में भी मदद करता है। तो हवा में हिलने के कारण से उसके आसपास एयर जो है चेंज होते रहता है, है ना। क्योंकि लीफ जो है अगर दिन में फोटोसिंथेसिस करता है तो ऑक्सीजन छोड़ रहा है और CO2 ले रहा है, तो लीफ के चारों तरफ अगर ऑक्सीजन का लेयर बढ़ जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा, तो लीफ को CO2 लेने में दिक्कत होने लगेगी, है ना। तो इसलिए लीफ को ऐसे ऐसे हिलाना जरूरी रहता है, हवा में हिलते रहता है वो, तो ऑक्सीजन हटते रहता है, CO2 उसके पास आते रहता है, तो ये उसको बेनिफिट हो जाता है कि उसको फ्रेश एयर अपने हिसाब से मिलते रहता है। प्लांट के लिए फ्रेश एयर का मतलब CO2 है, हमारे लिए फ्रेश एयर का मतलब O2 है, ध्यान रखेंगे आप दिन में, प्लांट का दिन में, है ना, हम लोगों का तो 24 घंटे। द लैमिना और द लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विथ वेन्स एंड वेनलेट्स। देखिए, तो जैसा मैंने कहा था, ये लीफ का जो चौड़ा पार्ट है ये लीफ ब्लेड या लैमिना कहलाता है। इसमें जो ऐसे नीचे से मेन गया हुआ जो रहता है मोटा सा वेन, ज़्यादातर में एक ही रहता है, ये मेन वेन है, और इससे निकले हुए ब्रांचेस जो इसमें फैले होते हैं, है ना, इसको वेनलेट्स कहते हैं, है ना। फिर और ब्रांचिंग हो जाती है तो ये जो है पूरा एकदम रेटिकुलम टाइप का एकदम जाल जैसा बन जाता है, है ना, उसे रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। कुछ में ये पैरेलल वेनेशन ही रह जाता है ना, मोनोकॉट्स में जनरली पैरेलल, डाइकॉट में जनरली रेटिकुलेट, है ना। तो वेन्स और वेनलेट्स इनमें वो हैं जो जाइलम फ्लेम के बने होते हैं, वस्कुलर बंडल के, और वो पानी ऊपर चढ़ाना, है ना, फूड को नीचे लाना, ये सब काम करते रहते हैं। देयर इज यूजली ए मिडिल प्रोमिनेंट वेन विच इज नोन एज द मिडरिप। जो बीच वाला मेन वेन है उसी को अपन मिडरिप कहते हैं। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज अ चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल्स। तो जैसा मैंने बताया कि वस्कुलर बंडल का बना हुआ है, जाइलम फ्लोएम है, तो जाइलम जो है नीचे से पानी लेके ऊपर आ रहा है तो लीफ के सरफेस तक पानी पहुंचा देता है, जबकि जो फ्लोएम है वो फूड मटेरियल को लीफ से लेके नीचे रूट तक पहुंचाने का काम करता है। द शेप मार्जिन एपेक्स सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लैमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स। देखिए, पत्तियों का जो शेप है वो अलग अलग हो सकता है, छोटा बड़ा, लीफलेट बड़ा है, लीफ कुछ भी, शेप अलग अलग होता है, ठीक है। मार्जिन जो है कुछ पत्तियों का या तो यूनिफॉर्म मार्जिन रहता है ऐसा, या कटा हुआ मार्जिन रहता है, या आरी जैसा बना होता है, या मतलब बहुत सारे टाइप के मार्जिन्स होते हैं। एपेक्स अगर देखें तो एपेक्स भी कुछ में ज़्यादा नुकीला एपेक्स रहता है, ठीक है, कुछ में कम रहता है, छोटा एपेक्स रहता है, कुछ में ऐसे राउंड शेप अपेक्स रहता है, है ना। अलग अलग टाइप का एपेक्स यहाँ पर देखने को मिलेगा आपके लीफ में, ठीक है। सरफेस कैसा रहता है, तो डाइकॉट लीफ के दोनों सरफेस अलग अलग दिखेंगे आपको। जो चौड़ी पत्तियाँ हैं डाइकॉट लीफ, उनका ऊपरी सरफेस एपेक्सियल सरफेस ये चिकना रहता है, वेंट्रल सरफेस कहलाता है, क्योंकि इनमें स्टोमेटा कम होते हैं। लेकिन निचला सरफेस जो डॉर्सल सरफेस है ये थोड़ा ज़्यादा खुरदुरा, थोड़ा ज़्यादा रफ दिखता है,
क्योंकि उसमें स्टोमेटा ज़्यादा रहते हैं, उसे एडेक्सियल सरफेस कहते हैं, है ना। एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लैमिना, लैमिना कटा हुआ हो सकता है, अगर ज़्यादा कटा हुआ रहेगा तो फिर लीफलेट्स में कट जाता है और तब हम उसे कंपाउंड लीफ कहते हैं, है ना। जैसे कि मान लो ये लीफ है पूरा, ठीक है, अब इसमें ऐसा एक ही लीफलेट है तब तो एक ये सिंपल लीफ हो गया, लेकिन अगर ऐसा नहीं है बल्कि ये लीफ है, ये छोटे छोटे लीफलेट्स में कट गया, ये देखिए ऐसे छोटे छोटे पार्ट में कट गया, है ना। जैसे आपने नीम, गुलमोहर, अमलतास, है ना, इनमें देखे होंगे तो छोटे छोटे लीफलेट में कटा हुआ है, तो ऐसे को कंपाउंड लीफ कहते हैं, है ना। लेकिन अगर कटा हुआ नहीं रहता, ऐसे सिंपल से एक ही लीफ रहता तो हम इसे सिंपल लीफ कहते हैं, है ना। जैसे कि पीपल है, बरगद है, आम है, इनका सिंपल लीफ है, लेकिन नीम है, गुलमोहर है, अमलतास है, है ना, इनका वो कटा हुआ टाइप का रहता है, उसे हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के लीव्स जो हैं यहाँ पर आपको अलग अलग प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या क्या पार्ट है, एक बार फिर से ये दिखा रहा है। तो चौड़ा पार्ट जो है यहाँ पर, ये लैमिना कहलाता है, जिसको एपिपोडियम या लीफ ब्लेड भी कहते हैं। बीच का ये डंठल है, ये अगर है तो प्लांट पेट्यूलेट है लीफ, कई बार ये नहीं रहता है, डायरेक्ट यहाँ से जुड़ा रहेगा तो फिर वो कहलाएगा सेसाइल लीफ, है ना। और पेटियोल का दूसरा नाम है मीजोपोडियम, है ना। और नीचे ये लीफ बेस है जिसका नाम है हाइपोपोडियम, है ना। इसी के नीचे यहाँ पर देखिए एक्सिलरी बड, मैंने बताया था ना कि इसके एक्साइल में, मतलब ठीक बेस में एक बड होता है, उसे हम एक्सिलरी बड कहते हैं, ठीक है। और इस बड से हम स्टेम बना सकते हैं या फ्लावर बना सकते हैं, है ना। अगर रिप्रोडक्टिव सीजन रहेगा तो उससे फ्लावर बनेगा, और अगर नहीं है रिप्रोडक्टिव सीजन तो फिर उससे स्टेम का ब्रांच बनेगा एक्सिलरी बड से, है ना। और एक कांटे जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम स्टिप्यूल कहते हैं, दो होते हैं स्टिप्यूल, है ना। और ये स्टिप्यूल ना सिर्फ कांटे जैसे होते हैं बल्कि कई दूसरे टाइप के शेप्स में भी ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है, कन्वर्ट हो जाते हैं। और जैसा मैंने कहा था कि इसके अंदर वेन्स होते हैं, वेन्स, है ना। तो ये देखिए बीच में ठीक एक जो बड़ा सा वेन गया है, इसको हमने मिड रिब कहा था, और साइड में ये जो वेन्स गए हैं इनको वेनलेट्स कह रहे हैं ना। अब यहाँ पर दो प्रकार का वेनेशन आपको दिख रहा है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसे साइड में जाने के बाद ये और छोटे छोटे ऐसे वेनलेट्स निकले हुए हैं जिससे एकदम जाल जैसा बन गया है, तो इसे रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं, ये डाइकॉट पौधों में देखने को मिलते हैं। जबकि इसमें आप देखिए कि नीचे से एक बड़ा मिडरिप तो गया ही है, साथ में और कई ऐसे वेन्स ऐसे ऊपर साइड में जाते हुए दिख रहे हैं, देखिए, ठीक है। और फिर इनमें से भी ऐसे ऐसे सिंपल सा इनमें ब्रांचिंग होता है, ज़्यादा ये जाल जैसा अंदर में नहीं बनाते हैं, तो ऐसे को हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन, ठीक है। तो रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन, दो प्रकार का यहाँ पर वेनेशन होता है। रेटिकुलेट वेनेशन जनरली डाइकॉट पौधों में, और ये मोनोकॉट पौधों में जनरली होता है पैरेलल वेनेशन, है ना। डाइकॉट मोनोकॉट पौधे आप शायद समझते होंगे, नहीं समझते होंगे तो मैं थोड़ा बतला देता हूँ आपको, है ना। मोनोकॉट पौधे जनरली छोटे पौधे होते हैं, है ना, जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, इसलिए बड़े बड़े ट्रीज ये नहीं बनते कुछ प्लांट्स को छोड़ के। लेकिन जो डाइकॉट पौधे हैं वो बड़े बड़े ट्रीज भी बन जाते हैं, छोटे पौधे भी होते हैं, और इनकी पत्तियां जनरली सिंपल टाइप की, चौड़ी टाइप की पत्तियां होती हैं, है ना। मोनोकॉट पत्तियां जो हैं थोड़ी सी लंबी सी, आजू बाजू में एक जैसी ऐसे दिखने वाली पत्तियां होती हैं। तो कई इसके पहचान हैं डाइकॉट मोनोकॉट के, है ना, कभी हम इसके बारे में थोड़े से डिटेल हम बात करेंगे, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ लीव्स, तो जैसा मैंने कहा था दो प्रकार का लीफ होता है, एक कंपाउंड सिंपल लीफ होता है, दूसरा कंपाउंड लीफ होता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है थोड़ा देखिए यहाँ पर, है ना। तो एक है यहाँ पर दो लीफ आप जो छपे हुए हैं, ये दोनों कंपाउंड लीफ हैं, देखिए, है ना। तो ये पूरा एक लीफ है, देखिए ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक लीफ है, मैंने अभी बताया था। और एक लीफ जो है ऐसे कट करके छोटे छोटे पार्ट्स में बंट गया है, तो इसे हम कहेंगे लीफलेट्स, है ना। ये लीफलेट्स हैं, ये भी लीफलेट हैं, यहाँ पर भी लीफलेट है, देखिए एक लीफ जो है ऐसे लीफलेट में कटे हुए हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए अंतर ये है, डिफरेंस कि इसमें लीफलेट की संख्या बहुत ज़्यादा है और उनमें लीफलेट की संख्या कम है, सीमित है, है ना। तो जब इस तरह से ज़्यादा लीफलेट्स में टूट जाते हैं, कट जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं पिन्नेटली कंपाउंड, ठीक है। इन लीव्स को हम कहते हैं पिन्नेटली कंपाउंड, जैसे नीम है, गुलमोहर है, अमलतास है, ये पिन्नेटली कंपाउंड है।
लेकिन जब ये निश्चित संख्या में 1, 2, 4, 5, 6 ऐसे कुछ संख्या में ही कटते हैं, है ना, निश्चित संख्याओं में रहते हैं, तो हम इन्हें कहते हैं पामेटली कंपाउंड। पामेटली एक्चुअली पाम से बना हुआ है, पाम में ये उंगलियां जो है गिनी चुनी उंगलियां हैं, 4 उंगलियां हैं, 1 अंगूठा है, तो टोटल 5 ही हम बोल देते हैं जनरली। तो उस तरह से 4-5 की संख्या में या उसके आसपास ही ये कटे हुए थे, ज़्यादा नंबर में नहीं कटे रहते हैं, तो ऐसे को हम कहते हैं पामेटली कंपाउंड लीव्स, है ना। जैसे सिल्क कॉटन में पामेटली कंपाउंड लीफ है। तो अभी हम बात कर रहे थे लीफ दो प्रकार के हैं, सिंपल और कंपाउंड। जैसे आम है, पीपल है, बरगद है, इनका सिंपल है, अमलतास है, नीम है, गुलमोहर है, सिल्क कॉटन है, इनका कंपाउंड है। दोनों में अंतर यही है कि एक लीफ जो है कंपाउंड लीफ कटा हुआ रहता है छोटे छोटे लीफलेट्स में, है ना, ऐसा है। ए लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लैमिना इज एंटायर और व्हेन इंसिस्ट द इंसिजन डू नॉट टच द मिड रिब। अगर ये सिंपल लीफ थोड़ा बहुत कटा भी रहता है तो एकदम अंदर तक वो कटिंग नहीं पहुंचे रहता है, मतलब थोड़ा बहुत किनारे किनारे से हल्का फुल्का कटा हो सकता है, लेकिन फिर भी वो सिंपल लीफ है, मिड रिब तक उसकी कटिंग नहीं पहुंचती है, अंदर तक नहीं पहुंचती है, ठीक है। लेकिन व्हेन द इंसिजन ऑफ द लैमिना रिच अप टू द मिड रिब ब्रेकिंग इट इंटू ए नंबर ऑफ लीफलेट्स द लीफ इज कॉल्ड कंपाउंड। और अगर वो कटा हुआ है मिड रिब तक और कई लीफलेट्स में कन्वर्ट हो चुका है, कट चुका है, तो हम उसे कहेंगे कंपाउंड लीफ, ठीक है। ए बड इज प्रेजेंट इन द एक्साइल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो अब देखिए क्या लिखा है कि ए बड इज प्रेजेंट इन द एक्साइल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ बट नॉट इन द एक्साइल ऑफ लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीफ। तो लीफ जहां से निकला है वहां पर तो बड रहेगा, जैसे कि मान लो ये लीफ निकला है तो यहाँ पर तो बड है, लेकिन ये जो लीफलेट हैं यहाँ पर बड्स नहीं रहेंगे, लीफलेट के बेस में बड्स नहीं है, क्योंकि ये लीफ का पार्ट है, लीफ नहीं है लीफलेट, ठीक है, ऐसा है। द कंपाउंड लीव्स मे बी ऑफ टू टाइप्स, पिनेटली कंपाउंड लीफ एंड पामेटली कंपाउंड लीफ। तो जैसा मैंने कहा कि लीफलेट की संख्या ज़्यादा है तो पिनेटली है, और अगर कम है 4, 5, 10, 5, 4, 5, 6 की संख्या में है तो पामेटली कंपाउंड है। इन पिनेटली कंपाउंड लीफ, पिनेटली कंपाउंड लीफ ए नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन ए कॉमन एक्सिस द रैकिश, ठीक है। तो जो मिडरिब यहाँ पर जो मेन एक्सिस है, एक मिनट, ये जो मेन एक्सिस है ये वाला, इसे हम रैकिश कहते हैं, इसको जरा ध्यान रखेंगे, है ना, ये लीफ का मेन एक्सिस है। Which represent the midrib of the leaf, as in name. वही midrib है, वहीं से कट कट कर leaflet बने हुए हैं। In palmately compound leaves, the leaflets are attached at a common point, that is at the tip of the petiole. अब यहाँ पर आप देखिए कि एक common point से निकले हुए हैं, ठीक है, ऐसे, है ना, यहीं से निकले हुए हैं, देखिए एक ही जगह से, जबकि इसमें अलग अलग जगह से leaflet निकले हैं, तो ये अंतर है इसमें कंपाउंड पिनेटली और पामेटली कंपाउंड में। और पामेटली जैसा मैंने कहा, पाम में 4-5 उंगलियां हैं, उसके हिसाब से वो कटिंग है बस, उससे ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह से कंपाउंड और सिंपल लीफ है ना। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, वो है फाइलोटेक्सी, ठीक है, ऐसा है, और उसके बाद ये मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और इसलिए हम अगले वीडियो में इनके बारे में बात करेंगे, है ना, वीडियो पार्ट 3 में, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फ्लावर भी बात करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मित्र तो ज़रूर कर लें प्लीज़, है ना, और शेयर कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, तो मुझे भी थोड़ी खुशी होती है कि आप देखे हैं, आपको अच्छा लगा है, है ना। कुछ कमी हो तो बता दीजिए, उसको भी हम ठीक करेंगे, है ना, आपको ठीक से दिखता है नहीं दिखता है ना, ये सब चीज़ें थोड़ा बताया करिए मुझे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो, है ना। और थैंक यू है, बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स।